वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जिस दे उत्ते भी अकाल पुरख की कृपा हो जाती है, जिहदे उत्ते सवली निगाह हो जाती है, जिहनूं ओह मिलना चाहुंदा, जिस जीव नूं भी मिलना चाहुंदा ना, ओह फिर धर्म राज नूं हुक्म करदा है कि ओह फलाना जीव ओहदी रिपोर्ट दिओ भी ओह किवें है जिहनूं मिलना चाहुंदा। धर्मराज नूं ओहदे बारे फिर पुछदा भी धर्मराज ओह फलाना जीव किस तरह है, ओहदी हालत की है जिहनूं मिलना चाहुंदा, जिहदे लई अकाल पुरख दे अंदर तड़फ पैदा हो जाती भी उस बच्चे नूं मैं मिलना है। पता की करता फिर धर्मराज नूं पुछदा कि उस बच्चे की की हालत है, बच्चा उस संसार विच जाके किवें विच रहा। हुण धर्मराज फिर जाके रिपोर्ट दिंदा है, पहलां देखदा सारे पासे भी की कर रहा उह बच्चा, फिर सच्चे पातशाह नूं रिपोर्ट दिंदा, कहिंदे सच्चे पातशाह उह तां कहिंदे उत्थे माया दे जाल विच फसिया होया, वह तो उत्थे माण वडियाइयां विच फसिया होया है, वह तो बहुत बुरी हालत होई पई है, उन्हूं काल ने माया ने बड़ा बन के रख्या होया है। हुण सच्चे पातशाह कहिंदे फिर उन्हूं आजाद करा के लियाओ, उन्हूं उत्थों छडा के लियाओ। सच्चे पातशाह धर्मराज नूं बेनती करदे ने भी उन्हूं छडा के लियाओ। हुण धर्मराज फिर सच्चे पातशाह नूं कहिंदे ने, सच्चे पातशाह मैथों नहीं छडाया जाणा उत्थों, क्योंकि वो जिथे काल ने बंद किया होया, जिस किले विच बंद किया होया, वो किला बहुत सख्त है, सच्चे पातशाह मैथों नहीं छडाया जाणा। हुण धर्मराज उस किले दे बारे बयान कर देने, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अरते वर खाई, रहो पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी परवल माया, जन गरीब को जोड़ न पहुंचे, कहा करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तह मन पर मवासी राजा, स्वाद सना टोप ममता को, को बुद्ध कमान चढ़ाई, तिशना तीर रहे कट पीतर, यो गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, घोड़ा ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एके चोट सजाया, सत संतोख ने लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ो गढ़ उपर, राज लियो अविनाशी। हुण पहला तो गुरमुख प्यारे धर्मराज ओ जिथे मन नू बंद कीता है काल ने, उस किले का नक्शा समझाते ने सच्चे पातशाह, कहते क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, कहने वो जिहड़ा किला है वो दवैत दियां दोहरियां कंधां नाल बनिया होया है, उहदे आले दुआले त्रै गुणा की खाई पट्टी हुई, पांच पसीस मोह मद मत्सर आडी परबल माया, उत्थे जिहड़े काम क्रोध लोभ अहंकार ने ये पच्चियां पच्चियां का रूप धारण करके बैठे, ताकतवर होके बैठे ने, जन गरीब को जोड़ ना पहुंचे, कहा करो रघु राया, मेरा उत्थे जोड़ नहीं चलता सच्चे पातशाह, वो तो बहुत सख्त किला, काम कवारी दुख सुख दरवाना, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, काम बूहे का मालिक है, दुख ते सुख पहरेदार हैं, पाप ते पुन दरवाजे हैं उस किले दे सच्चे पातशाह, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मवासी राजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मवासी राजा, उत्थे करदो क्रोध प्रधान है सच्चे पातशाह, और जेड़ा मन है उत्थे राजा बनया बैठा हंकार दे विच, स्वाद सना टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, आ जेड़ी जीव दे स्वाद ने चसके ने सच्चे पातशाह, उन्हें वो स्नो पहनी हुई है, ममता का टोप पहने अंदर
कबुद दी कमान चढ़ाई बैठा है। तृष्णा तीर रहे घट पीतरे ओ गढ़ लियो ना जाई, अंदर तृष्णा दे तीर ताणी बैठा है, तृष्णा दे विच भरिया बैठा है। सच्चे पातशाह मे तो यह जहा किला नहीं जितया जाना। फिर सच्चे पातशाह इनू फिर कहते ने कोई गल नहीं तू उत्थे भाई उन्हू छड़ा के लिया। फिर गुरमुख प्यारियो काल दे नाल लड़न वास्ते धर्मराज अपनी फौज नू लैके आउंदा है। वह किवें आउंदा जदों असी साध संगत दे विच सच्चे पातशाह उस जीव नू साध संगत विच प्रेर के लिया, क्योंकि अंदरों फुरना भी उन्हें ही बनाउणा हुंदा है साध संगत का। उन्हू साध संगत विच प्रेर के लिया फिर सिमन बंदगी साध संगत विच करता है, फिर धर्मराज ते काल दा युद्ध हुंदा है। गुरमुख प्यारियो जदों असी साध संगत दे विच आउने आ ना काल विचार लैके आउंदा है, धर्मराज फिर वह विचारां नू मारन की कोशिश करता है। जो असी सिमरन करते काल ने जोर लाया हों कि इनू विचार फुरने बच जा, पर धर्मराज की कोशिश होंगी है भी इनू इतों छड़ाइए। महाराज कहने प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एके चोट सजाया, सत संतोख ले लड़ने लगा तोरे दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमन की कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ो गढ़ उपर राज लियो अविनाशी। गुरमुख प्यारे हो जो फिर असी संगत दे विच आउंदे हाँ सिमन करते हाँ बंदगी करते हाँ पूरा जोर दे नाल सिमन करते हाँ और एक मन एक चित्त होके करते, वह जिहड़ा बच्चा मन वह जीव जिहड़ा इस काल ने फड़िया हुंदा है वह साध संगत की कृपा दे नाल फिर वह आजाद हो जाता है। उन्हों फिर धर्मराज पूरी कोशिश करता है कि मैं छडावा, जदों देखता सच्चे पातशाह भी धर्मराज भी बेचारा थक गया, फिर सच्चे पातशाह खुद आके मदद दे आके खड़ जाते। जदों साडे अंदरों शब्द प्रगट हो जाता है नाद प्रगट हो जाता है फिर सच्चे पातशाह खुद आके नाल मदद करते हैं। यह तां हुंदा गुरमुख प्यारे जेकर सच्चे पातशाह की कृपा हो जाए। जदों असी साध संगत दे विच जाने आ ना उत्थे फिर साडा युद्ध हुंदा काल दे नाल, काल विचार फुरने लैके आउंदा असी विचार फुरने मारने हुंदे आ। जदों असी लगे रहने सिमन ते गुरमुख प्यारे सच्चे पातशाह भी साडी मदद ते आ जांदा है, फिर की हुंदा फिर साडे अंदरों शब्द प्रगट हो जांदे आ। गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख ले सच सोए, वह जदों बाणी प्रगट हुंदी है ना वह सच्चे पातशाह खुद आ जांदे ने। फिर ये जिहड़े पंज जरनैल ने ये फिर भज जांदे ने, वह किला जिहड़ा काल ने बनाया हुंदा गढ़ वह तोड़ दिंदे आ सच्चे पातशाह संगत दे रूप में। जो फिर असी जुड़ के बैठते हैं वह जिहड़ा किला काल ने बना के मन नूं कैद किया हुंदा वह किला तोड़ दिता जाता, फिर मन नूं आजाद कराया जाता। जो फिर मन नूं आजाद कराते हैं ना फिर मन बेचारा सुख महसूस करता, क्योंकि काल ने किले विच बंद करके मन की बड़ी हालत माड़ी की हुई सी, भुखा रखता सी दुख दिंदा सीगा। जो फिर सच्चे पातशाह ने छडाया सच्चे पातशाह नूं मिलिया, जदों गलबकड़ी पाई सच्चे पातशाह दे नाल फिर मन नूं सोझी आ गई कि मैं तां सारी जिंदगी एवें ही काल दे किले विच गुजार दित्ती, मैं तां उत्थे एवें ही चौड़ा चौड़ा होया बैठा सी, मैं तां कहिंदा सी मैं करोड़पति हाँ मैं फैक्ट्रियां वाला मैं ए हाँ मैं ओ हाँ, पर हुण मैनूं सच्चे पातशाह नूं मिल के पता लग्गिया कि मैं तां बंदीखाने विच बंद कीता होया सी। सो गुरमुख प्यारियो सारा संसार काल ने बन्निया होया, सब जग बाधो काल को बिन गुर काल अपार, सारे काल ने बने हुए, एक गुरु है जिहड़ा एक काल तो उपर है। गुरमुख प्यारियो जदों असीं सतगुरु महाराज की सरन में चले जाने संगत में चले जाने सिमन बंदगी करन लग जाने बाणी नाल जुड़ जाने फिर ये जिहड़ा किला काल ने बना के सानू बंद किया होया सानू कैद किया होया ये किला साध संगत तोड़ दिंदी है, असी फिर सदा वास्ती आजाद हो जाते हाँ। गुरमुख प्यारियो फिर ये जिहड़ा मन है सदा वास्ते आजाद हो जाता है और फिर ये फिर मुड़ के किले विच नहीं वड़दा, क्यों इहनू पता हुंदा पहला मैनूं बन लिया सी इन्हां ने मैनूं कैद कर लिया सी, ये फिर इस किले तो बारे बार रहिंदा है। त्रै गुण मेटे चौथे वरते एहा भगत नरारी, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक होमे मार ब्रह्म मिलाया, पवन पानी अग्नि विसरो ताही निरंजन साचा नो। ये पवन पानी बसंतर तो उपर उठ जाता है,
ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ? ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਓਏ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਆਦਿ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਚੋਗ ਵਿਸਥਾਰੀ ਪੰਖੀ ਜੋ ਪਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ। ਜਾਲ ਪਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚੁਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਗਾ, ਔਰ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਏ ਹੋ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।